आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में माटी त्यौहार का आयोजन, अक्ति त्यौहार का भी आयोजन, माटी भूमि मिट्टी के पूजन भी हम लोग किए। धरती हमारी माता है, छत्तीसगढ़ को भी हम मातारी के रूप में पूजते हैं, तो आज अक्ति इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं हो सकता माटी पूजन के लिए, क्योंकि किसान वर्षों से बीज लेके खेत में जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, बीज छिड़कते हैं और खेत की जुताई करते हैं, अच्छी फसल की कामना करते हैं, तो माटी पूजन का इससे बढ़िया त्यौहार नहीं हो सकता। आज लोग ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से परेशान हो रहे हैं, तो प्रकृति से जुड़ने का एक ये प्रयास, मिट्टी को भी हम माता के रूप में पूजें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि उस मिट्टी में डाल क्या रहे हैं। जितना हम केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड जितना प्रयोग करेंगे, उतना ही हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा, मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा और अंत में मानव में उसका असर दिखाई देगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। इसलिए मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान देना है, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, प्रकृति की पूजा हम करें। पशुधन के लिए हमने कार्यक्रम बनाया, उसी प्रकार के मिट्टी की सेहत के लिए भी हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। लगभग 7 दिन तक के लगातार दौरा और प्रत्येक विधानसभा में जाने का मेरा प्रयास, 90 विधानसभा में जाऊंगा और हर विधानसभा में 1 दिन का समय मैंने निर्धारित किया है। हो सकता है इसमें 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, लेकिन सभी विधानसभा में जाऊंगा और वहां की स्थिति, जो शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी, आम जनता से मुलाकात, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से भी भेंट मुलाकात होगी और अधिकारियों के भी जो आवश्यक निर्देश होगा। वैसे भी कोरोना कारण से हम लोग सब सामाजिक, राजनीतिक सारी गतिविधियाँ ठप सी हो गई थी, अब फिर से हम लोगों को निकलना है, सबसे भेंट मुलाकात करना है। अब जीवन सामान्य होते जा रहा है तो सामान्य ढंग से सब काम होना चाहिए।